Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to the world of Civil Guruji. The Civil Engineers Training Institute दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, उसे हम बात करेंगे कंप्लीट ऑफलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो 1 फरवरी से लखनऊ ब्रांच में शुरू हो गई है. जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर है. यहाँ पे 1 फरवरी से नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में कम्प्लीटली आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके एस्टिमेशन से. एस्टिमेशन में आप सीखेंगे कि साइट क्लीन से लेके कैसे कैसे आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और की हैंडओवर तक के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे आने वाले 15 दिन में आप सीखने वाले हैं. उसमें किस तरह से आपकी साइट विजिट रहेगी, कैसे कैसे आप सीखेंगे कि आपको साइट में कैसे एग्जीक्यूशन कराना है, कैसे आपको एस्टिमेट निकालना है बिल्डिंग का. जैसे 2 से 3 करोड़ की बिल्डिंग होती है उसका कंप्लीट एस्टिमेशन कैसे निकलने वाला है आप इस 15 दिन में सीखने वाले हैं. उसके बाद हम बात करते हैं आपके BBS की, बार बेंडिंग शेड्यूल की. जिस बिल्डिंग का आपने एस्टिमेशन निकालना है, जिस भी बिल्डिंग का आपने एस्टिमेशन निकाला है उस बिल्डिंग का कैसे कंप्लीट आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे, कैसे आप सीखेंगे 1-way 2-way स्लैब के बारे में, कैसे कॉलम के बारे में, कैसे बीम के बारे में. और आपको मॉडल के, यहाँ पे आपके मॉडल्स भी हैं जहाँ पे आप फुटिंग्स, कॉलम और 1-way स्लैब 2-way स्लैब बीम के मॉडल की हेल्प से आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आपकी साइड में बीम का काम हो रहा है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे आपकी साइट पे बीम बंधेगी. कंप्लीट जानकारी आपको BBS में आने वाले 15 दिन में सीखने को मिलेगी. उसके बाद हम बात करते हैं सर्वे की. सर्वे में आपको कैसे ऑटो लेवल को सेट करना है, किस तरह से आप कंटूर मैपिंग करेंगे, प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, कैसे लेवल को ट्रांसफर करना है, कैसे आप विद इन 10 सेकेंड ऑटो लेवल को सेट करेंगे, ये आप कंप्लीट जानकारी आपको सर्वे के 15 दिन के प्रोसेस में सीखने को मिलेगी. उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस की. किस तरह से आपको साइट पर रहकर मटेरियल को मंगवाना है, उसका कंजम्पशन रेट क्या है, किस तरह से आपको जो रेट है, जैसे आपको ब्रिकवर्क कराना है किस रेट पे आप ब्रिकवर्क को देने वाले हैं, इंटरनल प्लास्टर को, एक्सटर्नल प्लास्टर को किस रेट में आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उस रेट में आपको लेना है, सारी चीज़ें आपको रेट एनालिसिस और क्वांटिटी सर्वे में सीखने को मिलेंगी. उसके बाद हम बात करते हैं बिलिंग इंजीनियर की. आपको कैसे एक साइट इंजीनियर से बिलिंग इंजीनियर बनना है, कंप्लीट एक उसकी एक जर्नी होती है, वो आप हमारे साथ सीखेंगे. मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आपको सिखाऊंगा कैसे आप बिलिंग इंजीनियर में एक्सपर्ट बनने वाले हैं, कैसे आप रिकंसिलिएशन करेंगे, कैसे आप एस्केलेशन करेंगे, किस तरह से आप कैसे आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए बिलिंग करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट बिलिंग करनी है तो किस तरह से आप CPWD के नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए कैसे आप बिलिंग करने वाले, कंप्लीटली आपको 15 दिन की बिलिंग क्लास में सीखने को मिलेगा. उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग की. उसमें आपको सीखने मिलेगा किस तरह से आप टेंडर प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से आपको लास्ट के 15 दिन में रिज्यूम मेकिंग की और आपके कवर लेटर पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाना है, आपका किस तरह से आपको अपना HR राउंड क्लियर करना है, कैसे आप एक टेक्निकल राउंड को क्लियर करेंगे और किस तरह से आपकी स्क्रीनिंग होगी, कैसे आप एक कंपनी कॉलिंग के थ्रू किस तरह से आपको HR से बात करनी है, कैसे आपको कंपनी सर्च करनी है, कंप्लीटली आप इस 3 मंथ के प्रोसेस में सीखने वाले हैं. क्योंकि आपकी शुरुआत होगी एक नॉर्मल इंजीनियर से, लेकिन आप लास्ट के 3 मंथ में कैसे आप अपने आप को बोल पाएंगे कि आई एम इंजीनियर एंड आई सर्व मैनकाइंड, ये आपका जो एटीट्यूड है किस तरह से आप अपने आप को बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 3 मंथ में एक एटीट्यूड के साथ सिखाई जाएंगी कैसे आप अपने आप को इंजीनियर बोल पाते हैं. तो आपको अगर एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनना है तो आइए हमसे जुड़िए. मैं सौरभ मिश्रा आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप इंजीनियरिंग के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य में आप कुछ अच्छा कर सकेंगे. इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं. तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.